একবার সঙ্গে বলবো কি ভাই, যাও বিয়া করলাম। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर मैं आप सबको अपने चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, किसी भी डिजाइन का कुछ पार्ट्स, कुछ टुकड़े कैसे कटिंग करना है, आज हम वही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपने आर्ट कैंप में लेके चलता हूँ। जब तक आर्ट कैंप खुल रहा है, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। और ये वीडियो मैं एक भाई के कहने पर बना रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि भाई, अगर हमें किसी दरवाजे से या बेड से या किसी भी रिले फाइल से अगर हमें कुछ पार्ट से कट करना हो तो कैसे करेंगे, तो मैं उनके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल। तो चलिए, मैं हम एक कोई भी साइज दे देते हैं डोर का, क्रिएट न्यू मॉडल, इंचेस में देते हैं। पहले हाइट करते हैं इसका 80, उसके बाद इसका विड्थ करते हैं हम लोग 35। आज इनको यहीं पर रखेंगे, उसके बाद एमएम में जाएंगे क्रिएट में से। अब करेंगे हम लोग ओके। चलिए ठीक है, इसको कर लेंगे मैक्सिमाइज। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे CDD मॉडल को जो है पेस्ट करना है। ठीक है, रिलीफ में जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे रिलीफ, उसके बाद जाएंगे पेस्ट फ्रॉम फाइल। ठीक है, चलिए अप वन लेवल। उसके बाद जो हमारा डोर का डिजाइन है इस फाइल में, उस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं किसी भी एक फाइल को चूज कर लेता हूँ, किसी भी एक मॉडल को चूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं मॉडल में डोर से एक फाइल को चूज कर लेता हूँ। चलिए हम लोग इसको चूज कर लेते हैं। चलिए, हमारा मॉडल तो आ गया है, इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्केल में अप्लाई। मॉडल को कर लेते हैं हम लोग सेंटर में। चलिए ठीक है, इसका डेप्थ है 11, इसको कर देते हैं 12 अप्लाई। उसके बाद इसको करते हैं पेस्ट। पेस्ट तो हो गया है, लेकिन यहाँ कुछ दिखा नहीं रहा है, उसके लिए हमें क्या करना होगा ये आपको बता दें। कंट्रोल देखिए, यहाँ पे ना एक ऑप्शन है जो मैंने मार्क किया है,
ग्रीन ड्राइंग से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं प्रीव्यू लेयर। अभी हम 2D मोड में है ना, जब तक हम इसमें क्लिक नहीं करेंगे हमें हमारा जो रिलीफ है ना एक टू डी इसमें नहीं दिखाएगा, 2D व्यू में नहीं दिखाएगा। देखिए अभी दिखा रहा है ना, जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे ये हमें दिखाएगा ही नहीं। 3D में तो दिखाएगा, जो कि 3D में तो दिखा रहा है लेकिन 2D में नहीं दिखा रहा है। नहीं क्या करेंगे, प्रीव्यू रिलीफ लेयर, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अब चलिए देखिए, मान लेते हैं हमें इनमें से किसी एक पार्ट को कट करना है। वैसे तो हम कहीं से भी कट सकते हैं, कोई बात नहीं, इसके लिए कहीं से भी कट सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला पार्ट हमें चाहिए है नहीं, तो क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद करेंगे कंट्रोल यू, ठीक है। अभी जो वेक्टर है ना, पहले जो हमारा वेक्टर था वो पूरा वेक्टर क्या था, वो ग्रुप में था। कंट्रोल सेट करता हूँ, देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, जितने भी वेक्टर हैं ये सब सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अभी मैं अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू करता हूँ तो सारा का सारा क्या हो गया, अनग्रुप हो गया, अलग अलग हो गया। देखिए इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये सब वेक्टर अलग अलग हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को हमें अलग करना है, क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इस वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस क्या करेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, मैं वेक्टर के पास आके, मतलब जैसे अभी देखिए हमारा जो कर्सर है माउस का अभी बाहर है, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल वेक्टर के ऊपर में है, ठीक है। डबल टैप करेंगे तो ऑप्शन आएगा शेप एडिटर बोल के, है नहीं, शेप एडिटर बोल के आएगा। क्या करना है हमें इसमें, हमें करना है 0 रेस्ट, कुछ हुआ नहीं हुआ है नहीं, कुछ नहीं हुआ है, हमें लग रहा है कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही हम जूम आउट करेंगे मालूम हो जाएगा कि जो इस वेक्टर, ये इस वेक्टर के अंदर जो भी रिलीफ था वो तो है, लेकिन इसके बाहर जो भी रिलीफ था वो डिलीट हो गया, यानी वो 0 हो गया, है नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब हमें करना ये है इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। इसी के मैं यहाँ पर कोई भी नाम देता हूँ, जैसे कि MD15 PARTS, MD15 पार्ट्स, सेफ्टी पार्ट्स। अब इस नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अगला बटन Ctrl Z, देखिए फिर से आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हिस्सा, ये पार्ट्स डिलीट हो जाए यहाँ से, तो क्या करना होगा उसके लिए हमें, चलिए उसके लिए मैं आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वेक्टर को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये देखिए ऑफसेट वेक्टर, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, Ctrl 1, ठीक है, हो गया Ctrl 1 हो गया, देखिए यह ना वेक्टर टूल्स, इसी में एक टूल आता है ऑफसेट बोल के, ये वाला, इसका नाम है ऑफसेट वेक्टर, ओ ऑफ ऑफसेट वेक्टर, VECTER ऑफसेट वेक्टर, ठीक है। ये टूल्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ऑफसेट वेक्टर इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हमें, इस वेक्टर के बाहर एक और वेक्टर क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये मैंने फिर लिया आउटवाइड, ठीक है, वेरियस में करेंगे हम लोग, इसके बाद करेंगे ऑफसेट।
से बाहर निकल के तैयार होंगे। तो क्या करें, अंदर बाहर वाले लड़के को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करना है, बेल्ट को पकड़ के डबल टैप करना है। आ गया शेप ट्रेनिंग टैप। अब करेंगे हम लोग 0। हो गया है ना, डिविजन डिविजन था ये हमारा, डिविजन का टुकड़ा। चलिए मैं आपको अच्छे डिविजन दिखा देता हूँ। डिविजन लेकिन फिर से ही वापस आ गया। कंट्रोल वाई करूँगा, देखिए फिर से डिविजन हो चुका है। आप किसी भी टॉर्च को सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। दोस्तों जो आप लोग काफी सपोर्ट बन रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा जहाँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। दोस्तों आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिलती है कि हम लाइफ को छुपा कर चाहिए, लोगों को कुछ बताना चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारे बारे तो आज कल के बारे में जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। सीखने के लिए और सिखाने के लिए मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ। जिस लाइफ के अंदर कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, सलाह दे रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को जरूर शेयर करें। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें इससे हमारा भी फायदा होगा, जो भी हमारी गलती होगी वो हम सुधार करेंगे। जैसे कि एक हमारे बारे में बताया कि जब आप कोई काम करते हो, कोई वेक्टर, कोई भी सोर्स यूज करते हो, आप उसको किस जगह आप यूज कीजिए, उसी में मैंने अभी इसको यूज किया है ताकि हमारे भाइयों को मालूम हो जाए। कोई जो बैंक से मिस्टेक होती है तो आप लोग हमें बताइए, इसमें शर्माने कोई बात नहीं, हमारी गलती हर इंसान से होती है। तो दोस्तों आप सीख ही गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी एक लिंक से किसी भी पार्ट को कैसे हमें सेव करना है कर सके। किसी व्यक्ति के पास है इसके ऊपर डबल डोर किया, शुरू करने की व्यवस्था को ओपन हो गया। पहले 0 ये टॉर्च हमारा रह गया। इस व्यक्ति के अंदर जो 3 टॉर्च है वो सारे हैं, लेकिन जो बाहर की है वो 0 हो गया। अगर इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, जैसे मैं देख सकता हूँ व्यक्ति को शेयर करने का अपना तो नंबर 0 है, इसलिए हट गया, बाकी सब सही। चलिए अब दोस्तों मैंने जिस लाइटर को डिलीट किया, जिस जिस सीरीज को मैंने डिलीट किया था, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको यहाँ से ले जाऊँ। क्योंकि अगर नाउ का विजिट के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप क्या करना है, देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट का आपको देखना होगा ऑप्शन वहां पे जाना है, ठीक है। इंडिया में इस बात पे ऑप्शन
और उनको पूछ सकता है कि आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस टाइम से जुड़ी है।